आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। आज हम भोजपुरी दंगल में बात करने वाले हैं इंडस्ट्री की, बात करने वाले हैं उस भोजपुरी समाज की जो एक परिवार के तौर पर जाना जाता है। आप बड़े स्टार से लेकर, जी हाँ, चाहे हम बात कर ले मनोज तिवारी, बात कर ले गुड्डू रंगीला, चाहे बात कर ले मेगा स्टार रवि किशन, चाहे बात कर ले हम कुणाल सिंह, जो वो बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्हें ये लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार की तरह है और परिवार कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उन्हें एकजुट रहना है तभी परिवार आगे बढ़ेगा, तभी काम आगे होगा। लेकिन अचानक से ना जाने इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिवार कहीं ना कहीं बिखरता नज़र आ रहा है। ये परिवार कहीं ऐसा लग रहा है कि जंग का मैदान बन चुका है, अखाड़ा बन चुका है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कौन सही है कौन गलत, हम ये डिसाइड नहीं करते, ये पब्लिक डिसाइड करती है, ये वो दर्शक डिसाइड करते हैं, जो कि अपने दर्शकों को, जो कि अपने स्टार्स को देखते हैं, प्यार देते हैं और पसंद करते हैं। लेकिन इन दिनों जो भी इंडस्ट्री में घट रही है, जो घटनाएं हो रही है, वो वाकई में एक सोचने का विषय है। अब आप लोग को हम शुरुआत अगर जो बात करें, इन दिनों बीते दिनों की बात करें, तो शुरुआत हम करते हैं जुबले स्टार दिनेश लाल यादव उफ निरहुआ के साथ और उसी के साथ जुटे रहे जो उनके पत्र जिनके साथ उनका विवाद हुआ था, पत्रकार शशिकांत सिंह, जो कि एक पीआरओ हैं। और पत्रकार के साथ हमारे जुबले स्टार मीडिया के साथ जिस तरीके से हमारे जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ उलझे और उसके बाद जो विवाद ने उनके तुल पकड़ा, वो वाकई में हैरान करने वाली बात थी। और आज तक वो देखा जाए तो वो धुआं अभी शांत नहीं हुआ है। तो एक नज़र पहले हम उस पर दौड़ाते हैं कि आखिरकार शुरुआत से शशिकांत और जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की विवाद शुरू कहां पर हुई और खत्म कहां पर हुई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और पत्रकार शशिकांत के बीच हुई विवाद की शुरुआत हुई थी शशिकांत के फेसबुक पर किए गए बॉर्डर फिल्म के खिलाफ पोस्ट के जरिए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें शशिकांत ने फिल्म को फ्लॉप बताया था और कहा था कि दर्शकों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है। लेकिन इसी बात पर अचानक से जुबले स्टार दिनेश लाल यादव का गुस्सा फूटा और उन्होंने शशिकांत को फोन कर काफी अभद्र भाषा में बात की, जिसके बाद वो ऑडियो वायरल हुआ। शशिकांत ने उस ऑडियो के जरिए FIR दर्ज करवाया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि शशिकांत आज से नहीं बल्कि कई समय से वो भोजपुरी के स्टार्स के खिलाफ लिखता आया है, भोजपुरी फिल्मों के खिलाफ लिखता आया है। जिसके बाद स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी पलटवार करके शशिकांत के ऊपर FIR दर्ज करवाया और वो मामले में हर कोई पक्ष विपक्ष में बातें करते आए। कई दर्शक ऐसे थे जिन्होंने पत्रकार शशिकांत को सपोर्ट किया, तो कई ऐसे स्टार और दर्शक हुए जिन्होंने जुबले स्टार दिनेश लाल यादव को सपोर्ट किया। और आज के समय की अगर बात करें तो ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताया कि आखिरकार जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक फिल्म के पोस्ट से, सिर्फ एक सोशल मीडिया के पोस्ट से शुरू हुई बात विवाद गाली गलौज अभद्र भाषा तक जा पहुंची। उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आए, कई लोगों ने स्टार की तारीफ की, कई लोगों ने स्टार के सपोर्ट में खड़े हुए, तो कई लोग पत्रकार का समर्थन करते नजर आए। लेकिन अचानक से इसी बीच एक बयान और आया, जो बयान था भोजपुरी के एक और दिग्गज स्टार खेसारी लाल यादव का। अभी निरहुआ और पत्रकार शशिकांत का जो दोनों के बीच जो विवाद की आग लगी हुई थी, जो विवाद की बातें फैली हुई थी, वो अभी सिमटी भी नहीं थी, उसकी बातें ठंडी हुई भी नहीं थी कि खेसारी लाल यादव जब निरहुआ के समर्थन में बयान इंटरव्यू दे रहे थे, जो हाल ही में उनका देवरिया में स्टेज हुआ था, उसी दौरान उनका इंटरव्यू लिया गया जिसमें उनसे तीन सवाल पूछे गए, जिसमें से एक सवाल ये था कि निरहुआ ने जो पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उनके साथ, उस पर खेसारी लाल यादव क्या सोचते हैं, जिसपे खेसारी लाल यादव ने पूरा एक लंबा चौड़ा अपना एक मत रखा उन्होंने कि वो क्या सोचते हैं किस तरीके से, और उसी में से
उनके 40 सेकेंड के एक बाइट ने आज बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें उस बाइट को तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उस बाइट के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा है, उसके बाद तुरंत भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत और हॉटनेस के लिए जानी जाती हैं गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित, तुरंत उनकी प्रतिक्रिया आई, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। जिस तरह से सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और पत्रकार का जो विवाद बढ़ा था एक पोस्ट के जरिए बढ़ा, ठीक उसी तरीके से प्रियंका ने भी एक पोस्ट किया। फिर खेसारी लाल यादव की तरफ से प्रियंका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि खेसारी लाल यादव ने उन्हें धमकी दी है, उन्हें बदतमीज और तमाम तरह की बातें कही हैं, इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की जो हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो दूसरा विवाद यहाँ से शुरू हुआ जहाँ पर निरहुआ के समर्थन में आए थे खेसारी लाल यादव, तो आखिरकार भाई के समर्थन करते करते खुद किस कदर फंसे खेसारी लाल यादव, ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। निरहुआ के समर्थन में कहे गए तमाम स्टार्स के बीच एक बयान आया खेसारी लाल यादव का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने अपने इंटरव्यू में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का समर्थन करते हुए नजर आए और अचानक से उनके इसी इंटरव्यू का एक 40 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुआ, जिस वीडियो में इस तरीके से दिखाया गया है कि खेसारी लाल यादव ने खुद को, पवन सिंह को और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को भोजपुरी इंडस्ट्री का पिलर बताया है, और जिस तरीके से इस खबर को पेश किया गया उसके बाद ऐसा लगा कि वाकई में खेसारी लाल यादव ने इंडस्ट्री को लेकर इस तरीके की बातें कही हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, जिसमें स्टार के तौर पर जानी जाती अभिनेत्री प्रियंका पंडित और गार्गी पंडित का सबसे पहला पोस्ट आया फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने जो खेसारी लाल यादव ने पोस्ट किया था उनका उस बारे में, उस वीडियो के बारे में निंदा करती नजर आई। फिर अचानक से प्रियंका पंडित का एक और वीडियो आता है जिसमें प्रियंका खुद को कहती हैं कि इस तरीके से किसी स्टार्स को शोभा नहीं देता कि वो बाकी स्टार्स को छोटा दिखाए, जिसके बाद प्रियंका पंडित का ये भी इल्ज़ाम होता है कि खेसारी लाल यादव ने उन्हें अदर नंबर से फ़ोन कर धमकी दी है। जी हाँ, लेकिन इसके बाद फिर से खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और वो एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि नहीं, उन्हें गलत साबित किया जा रहा है, उनके वीडियो को भी गलत ढंग से पेश किया गया है, और इस विवाद पर भी कई लोग पक्ष में आते हैं तो कई लोग विपक्ष में आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम अपनी तरफ से कुछ भी बयान नहीं कर पाएंगे। और अभी तक देखा जाए तो खेसारी लाल यादव और गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित का बयानबाजी जारी है, तीखी नोकझोंक जारी है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से प्रियंका पंडित और खेसारी लाल यादव का विवाद इन दिनों फिर से तूल पकड़ा, और इसमें जहां कई स्टार खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में आए कि नहीं, खेसारी लाल यादव इस तरीके से बातें नहीं कह सकते, उनकी वीडियो एडिट की गई है, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि प्रियंका पंडित, जो दर्शकों का ये कहना है कि प्रियंका पंडित ने खुद का नाम आगे करने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए पब्लिकिटी स्टंट कर किया है उन्होंने, पब्लिक के बीच फेमस होने के लिए उन्होंने इस तरीके से पोस्ट जारी किया जिसमें खेसारी का नाम शामिल हो, और जिसके बाद खेसारी अचानक से उग्र हो गए और उन्होंने प्रियंका पंडित को फ़ोन कर धमकी दी, जिस तरीके की बातें कही गई उस तरह से इस बयानबाजी को आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर बात आ जाती है, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है निरहुआ और शशिकांत की, और शुरू होती है खेसारी लाल यादव और गार्गी पंडित उर्फ प्रियंका पंडित की, जिसमें तमाम तरह के स्टार शामिल होते हैं। रितु सिंह खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में है, तो बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो कि जिनका ये भी कहना है, जैसे अंजना सिंह, वो प्रियंका पंडित के सपोर्ट में है कि नहीं इस तरीके से किसी स्टार का ये बयानबाजी देना कि हम ही भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन पिलर हैं, तो ये इस तरीके की बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए, इस तरीके से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पब्लिक के बीच फेमस होना है, तो खेसारी
प्रियंका निरहुआ ये वो स्टार हैं जो ऑलरेडी पहले से ही दर्शकों के बीच शुमार हो चुके हैं। इनकी इनके नाम में किसी को पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। इनकी हर जीवनी से, इनकी हर खबरों से हर दर्शक रूबरू हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के ये बड़े स्टार के तौर पर जाने जाते हैं और इनके बारे में तमाम फैंस इनकी जानकारियाँ रखते हैं। लेकिन इनके इस चीज़ को देखते हुए आजकल देखा जाए, जो अभी कुछ समय पहले जिन कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री की है, भाई उनके भी देवर साथ में आसमान पर है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आप अपने अगली रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूँ दो ऐसे भोजपुरी सिंगर के बारे में जो कि आपस में भिड़े हैं। किस वजह से भिड़े हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन अचानक से गुंजन सिंह जो कि भोजपुरी के स्टार में एक सिंगर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भोजपुरी के कई गाने गाए हैं और हाल ही में उनकी एक फिल्म के लिए भी उनके इंटरव्यू हुआ था जिसमें लेकिन उसी के साथ उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जी हाँ, कल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में, और उन्होंने इसे बात नहीं की, उनके बारे में सिर्फ उल्टी सीधी बातें नहीं की बल्कि उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर सीधा निशाना साधा। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रिपोर्ट में पहले प्रमोद प्रेमी यादव और गुंजन सिंह ने आखिरकार, अब क्या फेमस होने के लिए, क्या पब्लिसिटी पाने के लिए हर कोई कुछ भी मुंह खोल दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, ये देखना काफी जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं पूरा मंजरा। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। जहां एक तरफ खेसारी लाल यादव और गार्गी पंडित की नोकझोंक खत्म नहीं हुई है, अभी भी इनके बीच की बात विवाद जारी है। लोगों की कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं पक्ष विपक्ष में आ रही है, लेकिन इन सब के बाद ये मामला शांत नहीं हुआ था कि दूसरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। और दूसरे मामले में जो नाम आता है वो है गुंजन सिंह और प्रमोद प्रेमी यादव। जी हाँ, हाल ही में गुंजन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिस वीडियो में गुंजन सिंह भोजपुरी के गायक प्रमोद प्रेमी यादव जो कि अब एक्टर बनने की ओर निकल पड़े हैं, उन्हें अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग करते नजर आए। जी हाँ, गुंजन का जो वीडियो जारी हुआ है उसमें गुंजन ने साफ कहा है कि जुबलर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी, इन सभी कलाकारों के बाद जो बाकी के कलाकार हैं वो गुंजन सिंह के पैर छूते हैं। और उस पर जब लोगों की तरफ से प्रमोद प्रेमी यादव का नाम आया तो गुंजन सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि गुंजन सिंह ने कहा कि प्रमोद प्रेमी जैसे कलाकार रोज उनके पैर आके छूते हैं। तो क्या इस तरीके से किसी कलाकार को इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है? क्या इंडस्ट्री में ये बात बहुत शानदार है? क्या इंडस्ट्री के लिए ये बात काफी अहम रखती है? क्या इंडस्ट्री के लिए ये बात गौरव की है? ये सोचने वाला विषय है। देखा आपने दोस्तों किस तरह से इस समय पर एक परिवार पूरी तरीके से बिखरता नजर आ रहा है। और जब बड़े स्टार को ही अपने जुमा पे काबू ना हो तो भाई छोटे स्टार का क्या कहना, वो भी अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम किसी एक पर निशाना नहीं साध रहे, बल्कि हम वही जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं जो दर्शकों को लगता है। हर वक्त वाद विवाद को हर वक्त ऐसा नहीं होता, वाद विवाद से ही लोग फेमस होते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस तरीके से अगर जो वाद विवाद होता रहा तो भोजपुरी इंडस्ट्री सिनेमा नहीं बन पाएगी, एक अखाड़ा बन जाएगी जहां पर लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए एक दूसरे को विवादों में घेरते नजर आएंगे, और वो अखाड़ा बन जाएगा जिस पर शायद आप सभी को फिल्में कम और झगड़े ज्यादा नजर आए। अगर जो इस तरीके से इंडस्ट्री में झगड़े होते रहे, इस तरीके से वाद विवाद होते रहे, तो फिल्में बनना शायद बंद हो जाएंगी, और एक बार फिर से जो इंडस्ट्री इतनी तेजी से इस तरह आगे बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं थम जाएगा या फिर पीछे हट जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का सोच विचार आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को पता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के वो सितारे हैं, वो दर्शक हैं जिनके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, जिनके वजह से स्टार स्टार बन पाते हैं, जिनके वजह से एक जीरो व्यक्ति हीरो बन पाता है। तो आज के खास प्रोग्राम में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी दर्शक जो हैं हमारे, वो भोजपुरी समाज को लेकर हमारे इस खास प्रोग्राम को बेहद पसंद किया होगा। अगर जो पसंद किया है तो अभी कमेंट करके हमें बताइए, और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा।
बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ मनोरंजन से जुड़े रहने के लिए चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजप्रिया को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे चैनल पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।